की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक फेयरनेस क्रीम का रिव्यू, और वो भी कोई ऐसी वैसे फेयरनेस क्रीम का रिव्यू नहीं कर रही हूँ। इसके वीडियो आपको यूट्यूब पे पहले भी मिल जाएंगे, तो मैंने इसके वीडियोस देखे तो मुझे लगा क्यों ना इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों ये क्रीम बाकी क्रीम से थोड़ी डिफरेंट है, इसमें केवल आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल किया, और इस पे है SPF 14। दोस्तों मैं क्रीम अपने हाथों में ले रखी हूँ तो मैं आपको बता दूँ मैं किस क्रीम की बात कर रही हूँ। दोस्तों ये क्रीम है ग्लैमिनो नेचुरल फेयरनेस क्रीम। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी फेयरनेस क्रीम है जो ये दावा करती है कि आपको फेयरनेस निखार मिलेगा, आपको गोरापन मिलेगा, लेकिन दोस्तों फेयरनेस निखार को मैं यहाँ पर प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं दुनिया की कोई भी क्रीम है वो आपके स्किन के कलर को चेंज नहीं कर सकता, बस हाँ आपको तुरंत का निखार दे देता है, यानी तुरंत आपके फेस पर एक फेयरनेस चमक आ जाती है, जिसके लिए हम फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्रीम भी बिल्कुल वैसी ही वर्क करती है, आप इसे 10 से 12 दिन यूज करोगे उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन में हल्का सा फर्क आ गया है, यानी आपके स्किन पे हल्की सी चमक आ गई है, फेयरनेस की चमक आ गई है। तो फ्रेंड्स मैं इस क्रीम के बारे में आज आपको पूरी डिटेल दूंगी, यानी इसके फायदे भी बताऊंगी और इसके नुकसान भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलो हम लोग इस क्रीम का रिव्यू देखते हैं। दोस्तों अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम लगाते हैं या आप कोई भी फेयरनेस क्रीम खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, आज का वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपको नई फेयरनेस क्रीम लेने में। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्रीम का रिव्यू देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे क्लिक करना है, बगल में लगी घंटी बजा देना है, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों जिस क्रीम की बात कर रहे हैं इसका नाम है ग्लैमिनो नेचुरल फेयरनेस क्रीम। दोस्तों इस क्रीम की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये SPF 14 के साथ आता है, यानी आपको क्रीम के साथ अलग से कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इसकी खास बात यह है ये प्रोडक्ट बिल्कुल आयुर्वेदिक है और ये ऑल स्किन टाइप है। जी हाँ, आपकी स्किन कैसी भी है, सेंसिटिव है या ऑयली है, ड्राई है, आप सभी स्किन वाले ना इसका यूज कर सकते हो। एंड दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आयुर्वेदिक क्रीम है, तो मैं आपको बता दूं इनमें कौन सी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। इसमें एलोवेरा है, मुलेठी है, रेड सैंडलवुड है, ऑमेड ऑयल है और विटामिन है। दोस्तों एलोवेरा विटामिन ई हमारे जो डार्क स्पॉट है उनको दूर करता है, एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, मुहासे की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही दोस्तों जो मुलेठी होता है ना वो हमारे कलर को लाइट करता है। और जैसा कि ये एक फेयरनेस क्रीम है, इसको लगाने के बाद आपको कलर ब्राइट यानी स्किन ब्राइट नज़र आएगी। दोस्तों इस क्रीम को बिल्कुल जैसे हम फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं नॉर्मल, वैसे ही यूज करना है, यानी अपने फेस वॉश के बाद फेस को ड्राई हो जाने दीजिए, उसके बाद से अप्लाई करना है। दोस्तों इसकी रेंज की बात करें तो ये मुझे ऑनलाइन मिला है 195 का दोस्तों, और ये 40 ग्राम की पैकेजिंग में आता है। दोस्तों ऑनलाइन ही आपको ये परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट में अभी आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई मेडिकल स्टोर पर और ना ही कोई आपको कॉस्मेटिक स्टोर पर। दोस्तों इस क्रीम की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये लगी मुझे कि ये बिल्कुल भी थिक नहीं है, लोशन फॉर्म में है। कोई भी नेचुरल फेयरनेस क्रीम अगर हम यूज करते हैं तो वो होता है बहुत ही थिक और बिल्कुल लोशन है, यानी आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो एज ए फेयरनेस क्रीम जो है, और मेकअप से पहले एज अ लोशन यूज़ कर सकते हो, सनस्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हो, उसमें SPF 14 है, यानी आप दिन में मेकअप के टाइम कभी भी इसको यूज कर सकते हो और आप देख सकते हो तुरंत ही आपके फेस पर एक फेयरनेस ग्लो नज़र आएगा, और ये फ़र्क आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक हाथ में मैंने अप्लाई की है क्रीम, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, और दूसरा हाथ बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। जी हाँ, इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आपको ये क्रीम ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। दोस्तों इस क्रीम के सेल्फ लाइफ की बात करें तो वो है 18 मंथ, और ये GMP और ISO सर्टिस्फाई भी है। तो ये क्रीम किस तरह से वर्क करती है, दोस्तों आप भी अगर कोई फेयरनेस क्रीम लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक बार इस क्रीम को चांस देना चाहिए, काफ़ी अच्छी है। मैंने 10 से 12 दिन यूज़ किया है, इसके रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों अगर इसके मैंने प्लस पॉइंट आपको बता दिए, बट इसके माइनस पॉइंट भी आपको बता दूँ, वैसे मुझे इसका कोई भी माइनस पॉइंट नज़र नहीं आया, बट मुझे एक बार लगता है कि इसमें ऑल स्किन टाइप तो लिखा है, बट कुछ लोगों को कुछ चीज़ें शूट नहीं करती, जैसे कुछ लोगों को मुलेठी शूट नहीं कर सकती या रेड सैंडलवुड शूट नहीं कर सकता, तो हो सकता है उनको नुकसान हो। तो अगर आपको रेड सैंडलवुड आपकी स्किन पे शूट नहीं करता है या मुलेठी शूट नहीं करता है तो प्लीज़ इस क्रीम को तब यूज ना करें, और यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पैच वर्क करके देख लें अपने हाथों पर, फिर उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई करें, बट इसके और भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं लगे।
इसमें कोई भी ब्लीचिंग पाउडर नहीं है जो आपके स्किन को नुकसान करेगा, तो आपको ज़रूर इस क्रीम को एक बार चांस देना चाहिए। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू वीडियो, और अगर आप इस क्रीम को लेना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू वीडियो, आई होप ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, इस क्रीम को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो बेहिचक होकर कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर वीडियो शेयर करूं तो वो टॉपिक मेरे साथ जरूर शेयर करना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो शेयर करूंगी। और हाँ दोस्तों, संडे को आ रहा है मेरा ब्लॉग वीडियो, जी हाँ संडे यानी कल आ रहा है इस बार ब्लॉग वीडियो। इस बार मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ, बट ब्लॉग वीडियो आपको मिल जाएगा, और इस ब्लॉग वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी, तो कल का ब्लॉग वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल हम लोग मिलने वाले हैं एक ब्लॉग वीडियो में, बिल्कुल भी मत भूलना, कल दोपहर 2 बजे आपको मेरा ब्लॉग वीडियो मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आया तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, बगल में लगी घंटी बजा दीजिए, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।